भाग दो में आपका स्वागत है। आज हम फ्लॉप कंदी पॉकेट पर सिलाई लगाएंगे, फैशन पट्टी बनाएंगे, कॉलर बनाएंगे। इस बकरम पर सबसे पहले हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनार पर बकरम के ऊपर, क्योंकि जब हम इसको पलटाते हैं तो ये बकरम उखड़ जाती है, इसलिए कच्ची सिलाई इस तरह से किनार पर लगा लें। ये कंदी बड़ी मुश्किल से पलटती है ताकि ये बकरम उखड़े नहीं। इस तरह से सिलाई लगा लें, इस पर चाहें तो मैंने बहुत बड़े टांके की सिलाई मारी है, कट मारने की ज़रूरत नहीं, खुल जाएगी। अब हम अस्तर लगा लेंगे इस पर। यहाँ पर आकर कपड़े को थोड़ा खींच लें, अस्तर वाले को। ये दो लुप्पी बैक में लगती है, स्टेट पुलिस में सिर्फ एक ही लगती है, बाकी आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल में ये दो लगती है दोनों साइड पीछे। ये हमारे फ्लॉप हैं ढक्कन, इसको ऊपर से बराबर मार्जिन छांट लें दोनों में बिल्कुल बराबर। तीनों पॉइंट पर धागे डालेंगे। धागा बिल्कुल आखिरी के पॉइंट पर डले, जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट वाली टांका रहता है उसमें धागा रहना चाहिए। जैसे हम कॉलर के पॉइंट में डालते हैं वैसे ही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कफ भी हम तैयार करके रख लेंगे बिल्कुल। जैसे हम शर्ट में लगाते हैं उसी तरह ये दो गुटके बाहर के होगा, एक सेंटर में लगा लें
और एक उसके सेंटर में लगा लें प्लेट के लिए। इसी तरह इसमें भी लगा लें, इसका भी सेंटर में। अब सेंटर के सेंटर में जो लगाएंगे हम, इसका इस तरफ लगाएंगे, जैसे कि एक में यहाँ लगा तो एक में यहाँ। RPF में सिलाई वाली शर्ट भी चल जाती है, ऊपर जो सिलाई दिखती है। इन भाई साहब ने सिलाई वाली बनाने का बोला है, ऊपर सिलाई दिखने वाली, तो ये वही शर्ट बन रही है, सिलाई दिखेगी इसमें। हम कॉलर पर भी ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक घोड़े की सिलाई जैसे हम शर्ट में लगाते हैं, इस अंगोला शर्ट की सिलाई 400 रुपये ले रहा हूँ मैं, लेता हूँ अभी। आप कितनी लेते हैं? क्योंकि वर्दी में शर्ट में ही पूरा काम शर्ट का ही ज़्यादा रहता है। इतनी देर में 3 शर्ट बन जाए, हाथ का काम बहुत रहता है कच्चा। 2 शर्ट तो बनी जाती है इतने समय में। ये हमारी कॉलर भी बन गई है। आपको दिख नहीं रहा था कैमरा थोड़ा। ये हम पॉकेट पे जो हमने निशान लगाया था, पॉकेट की प्लेट पे सिलाई लगा लेंगे। चौक पट्टी बनाएंगे हम, जो हमने बकरम से चिपकाई थी, क्योंकि ये इसका कपड़ा थोड़ा इधर उधर भगता है, लूज टाइप कपड़ा रहता है, इसलिए चौक पट्टी पर हमने 1 इंची बकरम चिपकाई थी, फैशन पट्टी 1 इंची वाली। ये देखिए, इससे क्या थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी।
ये हमारी दोनों चौक पट्टी बन चुकी है। फैशन पट्टी बनाएंगे, पहले ये सिलाई लगा लेंगे हम एक घोड़े की। इसके बाद इस तरह खोलकर यहाँ प्रेस मार लेंगे हम। ये हमारी बटन पट्टी है। अब हम देखिए शोल्डर कैसे जोड़ते हैं। ये हमने प्रेस मार ली थी ताकि सीधा जुड़े हमारा, उस प्रेस पर इसको मोड़ लिया था। अभी हम एक सिलाई में जोड़ देंगे। ऐसी कटिंग करने से क्या होता है, कहीं कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है। हमारी जो प्रेस जो कॉलर के यहाँ जो बैठनी चाहिए बहुत बढ़िया बैठती है। बस इस कटिंग में कपड़े की थोड़ी कमी नहीं आना चाहिए। बिना शोल्डर की शर्ट काट कर एक शोल्डर ऐसे जोड़ देता हूँ मैं। इतनी बढ़िया प्रेस बैठती है इसमें। इस शर्ट की कटिंग का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वर्दी कटिंग स्टिचिंग वाली प्लेलिस्ट खोल लें, उसमें सभी वीडियो मिलेंगे वर्दी के। सभी को छांट लेते हैं पहले, फिर पलटाएंगे हम। इसको पलटाने में बहुत समस्या आती है, इसलिए हमने इसको वक्रम पर सिलाई लगा ली थी। पूरा वक्रम इकट्ठा हो जाता है तो उखड़ जाता है। इन बद्दी को भी छांट लें इस तरह, बैक लुप भी हर पॉइंट पर इस तरह कुटके लगा लें तीनों पॉइंट पर, तभी कोने अच्छे निकलेंगे। इस गोलाई पर भी एक दो कट मार लें। सबसे पहले हम इसको ही पलटाएंगे। अब आप खुद देखिए इसमें कितना टाइम लगता है। बहुत डबल वक्रम के कारण बीच में हार्ड भी हो जाता है बहुत। इसमें क्या होता है, बकरम उखड़ जाती है तो फिर जॉइंट जो रहता है कपड़े का वो बकरम के बीच में घुस जाता है, फिर वो ऊपर उठता है दिखता है। इसलिए वो कच्ची सिलाई ज़रूर लगा लें।
कपड़ा भी बूलन का रहता है ये मोटे धागे का। स्पोक को ये बकरम पर रख कर पलटाएं, नहीं तो छेद कर देता है स्पोक भी। पहले ये कोनों में जहाँ तक हो सके स्पोक से कोने निकालें, धागा का खींचना सबसे आखिरी में करें जब थोड़े बहुत निकलना रह जाते हैं। हम सिलाई वाले इसलिए सिलाई लगा लेंगे। एक घोड़े की बढ़िया खींच कर नीचे के कपड़े को, जो बकरम में शेप दिया है ताकि बकरम का ही शेप आए ऊपर, लब ना आए नीचे की। ये हमसे गलती हो गई है, ये सिलाई अभी नहीं लगती क्योंकि अंदर अभी रिंग बटन ठुकेगी। खोलना पड़ेगा उसको। इसमें भी लग गई, हमको खोलना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बाकी का आगे का काम करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।